हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन, जो बहुत ही इजी तरीके का बताऊंगी एंड अपने बॉटम के कॉम्बिनेशन के साथ मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड बेल का आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने जो लिया है वो एक बुकरम का पीस लिया है और चिपकने वाली बुकरम ली है मैंने। यहाँ पर आप चाहे नॉर्मल भी ले सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं चिपकाने की जगह, तो ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो है ये बुकरम का पीस लिया है मैंने। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच ली है एंड लंबाई जो है वो इसकी 17 इंच ली है, ये देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसे फोल्ड कर दूंगी कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। फोल्ड करने के बाद हमें नेक का वो लेना है चौड़ाई, तो मैं 3 इंच ले लूँगी नेक की चौड़ाई और लंबाई जो है वो मैं 6 इंच लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना छोटा बड़ा गला आप पहनते हैं। तो इसको मैं एक एल शेप दे दूँगी कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एक एल शेप दे दी है बन साइड की तरफ से। अब मैं इसको एक राउंड शेप प्रॉपर दे दूँगी, तो यहाँ पर मैंने एक राउंड शेप भी दे दी है, ये देख सकते हैं आप। अब इसके बाद नीचे से आपको 10 इंच पे मार्क करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे मार्क कर लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे 1.25 इंच पे इस तरीके से मार्क करती जाऊँगी। 1.25 इंच पे आपको इस तरीके से मार्क करना है पूरे ही राउंड नेक पर। तो अभी मैं नीचे से भी यहाँ से भी आपको आधा आधा इंच का मार्क करना है। यहाँ से मैं आधा आधा इंच का मार्क करूँगी, तो ये देख सकते हैं जहाँ तक हमने 10 इंच पे मार्क किया था वहीं तक आपको आधा आधा इंच पे इस तरीके से मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो हमारी जो नेक की मार्किंग है वो कम्प्लीट हो चुकी है गाइज, ये देख सकते हैं। अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने नेक को कट कर लिया है पूरा ही, ये देख सकते हैं आप। ये इसका जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आएगा, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। तो अब मैंने अपने बॉटम के फैब्रिक पर इस तरीके से इस बुकरम को चिपका लिया है अपने पूरे ही नेक को एंड क्वार्टर इंच कपड़े को प्रेस से आयरन कर दिया है। उसके बाद ये जो मैंने क्वार्टर इंच कपड़ा आयरन किया था, अंदर की तरफ फोल्ड किया था, इस पर मैं स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने नेक को रेडी कर लिया है, ये देख सकते हैं स्टिच कर लिया है इसके ऊपर। आप बाद में इसे निकाल भी सकते हैं। तो अभी मैं एक डोरी ले लूँगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी किस तरीके से मैंने ये बनाई है। थोड़ी मोटी डोरी बनाई है मैंने ये, तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मैं इसे इस तरीके से 1-1 इंच के गैप से इस तरीके से कट कर लूँगी पूरी ही डोरी को। तो यहाँ पर मैंने 1-1 इंच के पीस कट कर लिए हैं, ये देख सकते हैं। उसके बाद मैं एक ट्रायंगल शेप बनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने 2-2 इंच चौड़ा और लंबा स्क्वायर शेप में फैब्रिक लिया है। उसके बाद इसे कुछ इस तरीके से मैं ट्रायंगल शेप बनाऊंगी, ये देख सकते हैं जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद एक स्टिच दे देंगे कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैंने काफ़ी सारे बना के रख रखे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो अब मैं अपने नेक पर इसको लगाऊंगी। तो सबसे पहले जो हमने डोरी का लूप बना लेंगे, जो हमने कट करा था उसको लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से लूप बना लूंगी। तो लूप बनाने के लिए इस तरीके से आपको बहुत ही केयरफुल इसमें लगाना है। तो दूसरा लूप लूँगी, उसके बाद दूसरा लूप लगाएंगे तो थोड़ा सा ये ऊंचे टाइप में लगाएंगे। तो 3 लूप मैं पास पास लगाऊंगी और 3 लूप जब आप पास पास लगा लेंगे तो ये कुछ फूल की तरह लगेगा बिल्कुल। तो बिल्कुल पास पास आपको 3 लूप एक साथ लगाने हैं। मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं 3 लूप मैंने एक पास पास लगाए हैं। उसके बाद जो हमने ट्रायंगल लगाया था थोड़ा सा गैप लेके फिर उसे लगा देना है और उसके बाद इसी तरीके से 3-3 लूप लगाने हैं, थोड़ा सा गैप दे देना है बीच बीच में। फिर उसके बाद ट्रायंगल लगाऊंगी, उसके बाद लूप लगाऊंगी। तो इसी तरीके से पूरे ही नेक पे मैं लगाती चली जाऊंगी नीचे तक। तो इस तरीके से आपको लूप लगाना है फिर उसके बाद ट्रायंगल लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूरे ही नेक पे इस तरीके से लगा दिया है जगह छोड़ छोड़ कर।
तो हमारा जो नेक है वो बिल्कुल रेडी है। कुछ इस तरीके से आपको लूप लगाने हैं। अब मैं इसे अपनी शर्ट पर लगाऊंगी। तो हमारी जो शर्ट है वो मैंने ऑलरेडी कट करके रख रखी है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप किस तरीके से अपनी शर्ट को कट कर सकते हैं वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बीच में मैंने यहाँ पे कट लगा दिया है सेंटर का। तो अब मैं इस पर अपना नेक रखूँगी। तो यहाँ पे मैं अपना नेक रखूँगी कुछ इस तरीके से। तो अब हमारी जो शर्ट है वो रॉन्ग साइड पे टर्न होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको इस तरीके से नेक रखना है और बीच में सेंटर में इसे पहले स्टिच कर देनी है, जिससे हमारा जो नेक है वो इधर उधर ना हो जब हम स्टिच करें। तो बीच में यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब मैं बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर स्टिच कर लिया है। अब मैं इसे क्वार्टर इंच कपड़ा छोड़ते हुए कट कर लूँगी अपने पूरे ही नेक को। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब मैं छोटे छोटे कट लगा दूंगी जिससे हमारी सिलाई ना कटे, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैं कट लगा दूंगी पूरे नेक को और उसके बाद इसे राइट साइड पे टर्न कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो बहुत ही इजी तरीके से आपका जो नेक है वो टर्न हो जाएगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे मैं सेंटर का मार्क कर लूंगी। इस तरीके से आपको अपनी शर्ट को फोल्ड करना है और सेंटर पे इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है जिससे हमारा सेंटर का पता चल जाए। तो ये देख सकते हैं हमारा जो सेंटर का मार्क है ये इस तरह से आ गया है। उसके बाद हम अपने पूरे ही नेक को इसके ऊपर स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की स्टिच करेंगे राउंड शेप में, इस तरीके से इसके ऊपर ही आपको स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब मैं नीचे की तरफ पूरे ही नेक को इसको चिपका लूँगी अपनी शर्ट पर। एक्स्ट्रा जो आपकी सिलाई होगी इस नेक की उसको आप निकाल सकते हैं बाद में। तो यहाँ पे मैं पूरे ही नेक को इस तरीके से स्टिच कर लूँगी। ध्यान रहे आपका ये चीज़ जो है सेंटर में आनी चाहिए, इसीलिए मैंने सेंटर में मार्किंग कर ली थी पहले ही ऑलरेडी। तो गाइज ये देख सकते हैं मेरा जो नेक है वो बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।